माई के दुधवन जैसन दुनिया में कौ मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई माई के दुधवन जैसन दुनिया में कौ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई, सब कुछ मिल सकता है पर माँ नहीं मिलती। एक बच्चा छोटा सा 8 साल का, रवि उसका नाम है, दमोह से उसने मैसेज करा है। मैं मोबाइल लाया नहीं ऑफिस का, उस बच्चे का मैसेज था, मैं मेरी माँ का 8 साल का पुत्र हूं, कोरोना में मेरी माँ चली गई, 1.5 महीना हुआ मेरे पिताजी भी चले गए, अब मैं मेरी दादी के पास में हूं, पर मेरे कोई चाचा नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं, मैं अकेला हूं। मैं मेरे माता पिता के लिए नाम गोत्र लिखकर कैसे भेजूं, आप लिख लोगे क्या फोन पर? हमने आशीष जी से कहा, आशीष नाम लिखिए, बच्चा छोटा है। उस बच्चे ने अपने माता पिता का जब स्वर्गवासी नाम लिखा रहा था, उसकी आंख से अश्रु झड़ रहे थे, बोलते नहीं बन रहा था उससे, क्या बोले? माई के दुधवन जैसन दुनिया में कौ मिठाई ना मिलई, बबुआ सब कुछ मिल जा दुनिया पर माई ना, सब मिल सकता है पर माँ नहीं मिलेगी, बहुत कठिन है। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती। उस बच्चे के बाद में जब फोन आया तो संबोधन सुनिएगा उस बच्चे की, रवि दमोह से अगर कथा सुन रहा हो तो बेटा सुनिएगा, आपने कहा था अब मैं मेरी दादी के पास सोता हूं पर याद मुझे मेरी मां की याद है। रात को खांसी भी चल जाती थी तो मेरी मां उठ जाती थी, गुरुजी एक बालक नहीं ना जाने कितने हैं सर इस कोरोना महामारी में जिसको सबको निगल लिया है, कितने घर सूने हो गए, उनका दर्द देखकर ये 24,000 श्लोक का हवन रखा। आपसे धन नहीं चाहिए, मत दो आप दान, पर उन जीवों का कल्याण हो जाए साहब। खुद गीले में सोती है मुझे सूखे में सुलाती, खुद भूखी रह जाती है मुझे निबला खिलाती, माई के आशीष जैसन दुनिया में कौ आशीष ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना। माए का भी जब तक अच्छा लगता है जब तक माँ रहती है, माए का भी खाने को दौड़ता है, इतनी अवस्था के बाद भी माए के जाती है तो मम्मी की याद आ जाती है, माँ तू होती तो मुझे तिल्ली का लड्डू बनाकर खिला देती, छोरी ये ले जा मैं बैग में रखकर दे देती हूँ तेरे को, छोरी मैंने तेरे लिए साड़ी तैयार कर कर रखी थी, देख पहन कर अच्छी लग रही है ना माँ, अब तो साड़ी भी अच्छी नहीं लगती माँ, भले बूढ़ी हो गई पर वो सामने है ना अच्छी लगती है, उसके चेहरे की चमक अच्छी लगती है, गाय भी कितनी बूढ़ी हो जाए पर कसाई के घर पर अच्छी नहीं लगती, भले उसको गौशाला में छोड़ दो वही अच्छी लगती है, कितना दिया है उसने माँ, एक अवस्था ऐसी होती है कुछ नहीं रखती, सब दे देती। आज पार्वती मैया के नेत्रों में जल इसलिए है क्योंकि मैंने उसको गोदी में लाड़ लड़ाया है, आज मैंने उसको